किताब में अभ्यास दो जिसका पेज नंबर है 12 और अपनी कॉपी निकाल लीजिए। यह आपको कॉपी के अंदर करने हैं। तो आप सबसे पहले कॉपी के नए पेज पे ऊपर वाली लाइन में ऐसे लिखोगे ये अभ्यास 2.1। अब अपनी कॉपी में 1 नंबर पे उंगली रखिए, किताब में उंगली रखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि जो ये अंकों में लिखी हुई संख्या है इनको शब्दों में लिखना है। तो कॉपी में ये अभ्यास 2.1 डालने के बाद या 1 नंबर डाल के ये लाइन आपको उतारनी है और उसके बाद ये ए बी सी डी ई एफ ये जो है ये अब मैं बता रही हूँ आपको शब्दों में लिखना है। तो देखो ये इकाई दाई सैकड़ा लाख 10,000 लिखते हो गए 72,850। तो इसको ऐसे शब्दों में लिखेंगे 72,850। दूसरी संख्या देखिए बी पे इकाई दाई सैकड़ा 10,000 तो ये कितना हो गया 65,000। सैकड़े पे 3 है यानी 300 और फिर 90 शब्दों में लिखेंगे ये 65,390। सी देखिए इकाई दाई सैकड़ा 10,000 तो 1,000 के दो अंकों पे की लिखा है 54 ये हो गए 54,000। सैकड़े पे 4 है यानी 400 और फिर 72 यानी 72 तो 54,472। ये देखिए इसका इकाई दाई सैकड़ा 10,000 1,000 के दो अंक पे 50 है तो 50,000 सैकड़े पे 7 यानी 700 फिर 85 85 50,785 ये लिखा 50,785। कॉपी के अंदर 1 नंबर ही हो गया आपका। कॉपी में करना है आपको फिर उसके नीचे यहाँ से एक लाइन छोड़ के 2 नंबर डालना है। देखो अपनी किताब में 2 नंबर पे उंगली रखो, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए कि जो ये शब्दों में लिखा हुआ है उसको हमें अंकों में लिखना है। तो आपको कॉपी में ये शब्दों में लिखी हुई ये लाइन भी लिखनी है और फिर उसके आगे बराबर लगा के अंकों में लिखना है। मैं आपको सीधा यहाँ अंकों में लिखना बता दूँ। पहला है इसका ए, पहले लाइन लिखोगे सब बच्चे 85,716 85,000 के दो अंक पे क्या लिखना 85 तो ये हो गए 85,000। अब क्या आता है 716 तो 700 सेकंड में लिखा है 700 और फिर 16 यानी ये 16। पहले 2 नंबर की लाइन लिखोगे वापस से बता रही हूँ फिर ये क्या आएगा 980 900 तो 9 सैकड़े पे क्या है 9
को जैसे ये लिखा हुआ है हजार, दस हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इनको संख्याओं में लिखना है। तो देखो इस तरह लिखा है, ये तीसरा, इसको किताब में ही करना है। ये लिखा है जैसे चार, दस हजार, चार किस स्थान पे, दस हजार पे, और फिर छह हजार, छह किस पे, हजार पे, और फिर छह सैकड़ा, चार दहाई, दो इकाई, ये ऐसे लिखा है। इसको हमें क्या है, संख्याओं में लिखना है। तो आप किताब में लिखोगे ये किधर से लिखेंगे, इकाई से, किधर से लिखना है, इकाई से। कहाँ तक की संख्या, दस हजार, तो ये इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, ये है पाँच अंक। इकाई पे क्या है, ये दो, दहाई पे चार, सैकड़े पे छः, हजार पे भी छः, और फिर ये दस हजार पे चार, ये दस हजार पे चार। तो ये हो गए छियालीस हजार छः सौ बयालीस। तो इस तरह हमें ये संख्याएं लिखनी है। तो आप ये किताब में ही करोगे तो ये जैसे ये लिखा इसके सामने ये लिखो। इसका अगला देखो, इकाई पे पाँच, मैं सीधा बता रही हूँ आपको, इसका भी इकाई पे क्या है, पाँच, दहाई आठ, सैकड़ा तीन, हजार दो, और फिर दस हजार पे सात, तो कितना है, बहत्तर हजार तीन सौ पचासी। इसका सी देखो, किताब में भरो, इकाई पे दो, दहाई चार, सैकड़े पे दो, हजार पे तीन, दस हजार पे नौ। तो ये हो गया तिरानवे हजार दो सौ बयालीस। किताब में रखो उंगली, इसका दी देखो आगे, इकाई पे क्या है, किताब में देखो, इकाई पे सात, दहाई चार, सैकड़ा तीन, हजार दो, दस हजार आठ। तो ये हो गया बयासी हजार तीन सौ सैतालीस। तो ये आपको किताब में या जो ये बॉक्स है ना, इनके सामने ये पढ़ना है। फोर नंबर पे उंगली रखो, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती में होता है पहले वाली संख्या, जैसे देखो लिखा है 548। पाँच सौ अड़तालीस लिखा है, तो 548 के पहले क्या आएगा, 547 पहले क्या आता है, 548, 48 के पहले ये 47। जैसे लिखा हुआ है 2942, तो 2942 से पहले क्या आएगा, 2942 के पहले क्या आता है, 41। लिखेंगे 2942। तो ये जो पहले वाली संख्या है इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो हमें इसमें पहले वाली संख्या लिखनी है। तो पहला देखो इसका 73000 फोन नंबर, इसका ये है 73422। ये लिखा हुआ है, तो इसका हमें क्या लिखना है, पूर्ववर्ती पहले वाले संख्या। तो 73422, हजार और दस हजार पे यही रहेगा, सैकड़े पे भी 400 का 400, और 22 के पहले क्या आता है वो लिखना है, क्या आता है 22 के पहले, 21। 73421, ये सैकड़ा, हजार और दस हजार पे यही संख्या रहेगी, सिर्फ ये 22 के पहले जाता है, 21 आता है, तो वो हमें 21 लिखना है। तो ये हो गया 73421 पहले वाली संख्या, पूर्ववर्ती मीन्स पहले। बी देखो इसका 54325, चौपन हजार तीन सौ पच्चीस। तो चौपन हजार का चौपन हजार ही होगा, तीन सौ का तीन सौ, और पच्चीस के पहले क्या होता है, चौबीस। चौपन हजार तीन सौ चौबीस, ये हो गया। इसका सी देखो, साठ हजार आठ सौ बानवे,
देखिए 55,642, 55,642। तो 55,000 का 55,000 ही होगा, 600 का 600 और 42 के पहले क्या आता है 41, हो जाएगा 55,641। इसका अगला देखो 41,890, 41,890। तो इसमें देखो 41,000 का ये 41,800 का ये 800, अब 90 के पहले क्या आता है 89, 89 ये 89, 41,889। इसका देखो जी 10,030, ये है 10,030। तो 10,000 का फिर 10,000 सेपरेटर जीरो का एक जीरो, 30 के पहले क्या आता है 29, ये 29। अगला देखो एच 72,258, 72,258, 72,258 के पहले क्या आता है 57, तो ये 72,000 का 72,000, 200 का 200, 58 के पहले 57, 57। तो ये हो गई इनकी पहले वाली संख्या। इसको भी कॉपी में करना आपको। इसके आगे देखो 5 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती मीन्स होता है बाद वाली, ये तो थी जैसे पहले वाली, अब हमें उत्तरवर्ती मीन्स बाद वाली, नीचे वाली जो संख्या है जस्ट बाद वाली। देखिए 5 नंबर, उसके नीचे 4 नंबर के नीचे है छोटी, 5 नंबर की लाइन लिखोगे और फिर इसका ये देखो बाद वाली, बाद वाली से देखो बच्चों जैसे 162 लिखा है, 162 के बाद क्या होता है 163, जैसे लिखा है 15,940, तो इसके बाद क्या आएगा 15,940 के बाद क्या होता है 41। तो बाद वाली हमें संख्या लिखनी है, बाद में जो आता है वो। तो पहला है 83,140, 83,140, इसके बाद में जो आती है वो संख्या लिखेंगे। तो 83,000 का 83,000, 100 का 100 और 40 के बाद क्या आता है 41, तो ये 83,141। 67,438, अगली संख्या है तो इसके बाद वाली लिखेंगे। ये 67,000 का 67,000 लिख लिया, 400 का 400 लिख लिया, 38 के बाद क्या आता है 39, ये 39। ये 1,000, 10,000 और सैकड़े पे यही संख्या रहेगी। इसका सी देखिए 88,707, 88,000 ये 88,700 का 700 और 60 के बाद क्या आता है 61, तो ये 61, 88,706। डी देखो बाद वाली संख्या जस्ट नीचे वाली संख्या जो आती वो लिखनी है 32,158, 32,000 का 32,000, 100 का 100 और 58 के बाद क्या आता है 59, ये 32,159 ये हो गया। अगला देखो 46,265, ये 46,000 का, ये 46,000, 200 का 200, 65 के बाद क्या आता है 66,66, ये हो गया बाद वाली संख्या। अगला देखो 72,295, 72,295, इसके बाद क्या आता है 72,000 का, ये 72,000,
के अंदर आपको करना है।